दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर पेमेंट नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए मंडियों में व्यवस्था भी नहीं है। 1885 की है और ये 1845 बिक रही है, और इससे पहले 200-200 रुपए कम बिकी है, तो कहाँ ये MSP देंगे भाई? किसानों की जायज मांग के हम समर्थन में, कॉन्ट्रैक्ट का जो लेके है उसका नियम 6 पढ़ा आपने? नियम 6 में ये था कि MSP से कम कोई नहीं कर सकेगा, 15% सिक्योरिटी रखी थी, किसान को प्रोटेक्ट किया था, वो ये रख दें, मैं कोई इतराज नहीं भाई। अब यही तो कह रहे हैं, 14 MSP से कम नहीं देख सकते। अगर यही चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता मंडी में कौन आएगा? बारी बार खरीद हो जाएगी, बाहर तो कुछ ना मंडी टैक्स ना और कुछ ना, जितने में मर्जी खरीदो, बाहर ये कंडीशन लगाए MSP से कम नहीं खरीदेगा, फिर मंडी भी चलेंगे। पहले 200-200 रुपए सस्ता बिक गया तो किसान लेके आया, और 25 तारीख से जो इन खरीद करी थे उसकी पेमेंट अब तक नहीं हुई किसान की, कहाँ जाएगा किसान? और इसका कटौती भी ज्यादा है, तो किसान को हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जबकि 72 घंटे में पेमेंट हो जानी चाहिए थी। जो लिफ्टिंग चल रही है और जो आवक होनी है, सारे हरियाणा की मेरे ख्याल में आवक की 5% भी अभी खरीदनी हुई है, जबकि पूरे अभी तो मेरे ख्याल में सारी सड़कों पे अनाज पड़े और बेचारा किसान रात को अपने अनाज में सो रहा है। और जुलाना के गांव बराड़खेड़ा में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव करवाए जाएंगे। प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी कार्य कर रही है, जिस सरकार को लोगों ने नकार दिया था उसी सरकार को बनाने का कार्य उन्हीं लोगों ने किया, जो लोग जनता के बीच में जाकर बुजुर्गों और किसानों के मान और सम्मान की बात करते थे। जनता ने तो बीजेपी को सत्ता से बाहर ही कर दिया था, लेकिन इन्हें 10 सीटें मिलने के बाद सत्ता बनाने का कार्य किया और एक अच्छे पद की लालसा में चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के आगे गिरवे रख दिया। जो कानून बनाए गए उसमें साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय में आप अपनी फसल मंडी में ले जाकर के नहीं बेचेंगे। मंडी में इसलिए नहीं ले जा सकोगे कि आपको अपनी फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, दस्तखत करने पड़ेंगे कंपनियों के साथ। वहीं साथियों, कहीं सरकार ने यह नहीं लिखा कि किसान की जो फसल है MSP से कम नहीं बिकेगी। आज जो जगह जगह किसानों को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, आज जो किसान सड़कों के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान कभी भी जाकर के बिना किसी दिक्कत, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी कठिनाई के कभी सड़क पे जाकर के नहीं बैठता, और लोगों के बीच में जाकर के खड़े होकर के वायदा करते थे, कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। उनको कैसे पद मिले इसके लिए साथियों, जहां चौधरी देवीलाल